हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के मोमोज। तो आप यकीन मानिए, ये मोमोज से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन इन्हें थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। तो देखिएगा, बड़े यमी से लगते हैं देखने में ही। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो मैंने एक कटोरी मैदा ली है यहाँ पर, और मैदे में हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और नमक को डालने के बाद मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आपके पास छोटा चम्मच है तो आप चार चम्मच ले लीजिएगा। और ऑयल को लेने के बाद हमें इन दोनों को मिक्स करना है। तो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और देखिएगा, जब इसकी मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है मिक्स हो गए हैं। तो अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो आप याद रखिएगा, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए डो। तो लीजिएगा, मैंने तो इसको यहाँ पे गूंद दिया है। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखने वाले हैं, और तब तक हम सब्जियों को कट कर लेंगे जब तक 15 मिनट होंगे। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ बारीक कट की हुई सब्जियाँ ली हैं। तो प्याज लिया है मैंने, बारीक कटी हुई लाल मिर्च है, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है, और चॉप किया हुआ लहसुन है। बहुत बारीक चॉप किया है मैंने इसको। तो चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं मैदा को, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा कितनी सॉफ्ट हो गई है ये। तो चलिए इसको ले चलते हैं किचन काउंटर पर। तो देखिएगा, कुछ बड़ी सी लग रही है ये लोई, तो हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। तो देखिएगा, मैंने एक हिस्सा अलग रख दिया है, और हम एक हिस्से को ही बेलने वाले हैं यहाँ पे। इसकी लोई बना लीजिएगा, और इसके चारों तरफ हमें ऑयल लगा देना है, काउंटर पे भी और लोई के ऊपर भी, तब हम इसको बेलेंगे। ऑयल लगाने के बाद यह बहुत आसानी से बेल जाएगा, और इसकी हमें पतली सी रोटी बनानी है, बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ये देखिएगा, तो इसके ऊपर हम डालते हैं लहसुन, और एक चम्मच हम यहाँ पर सॉस डालेंगे, ज़्यादा मत लीजिएगा। तो अब इनको हाथ की मदद से फैला दीजिएगा चारों तरफ, अच्छे से पूरी रोटी पे फैल जाने चाहिए। तो इनको फैलाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, तो रोटी के चारों तरफ फैलाकर डालिएगा आप। और शिमला मिर्च डालते हैं बारीक कट किया हुआ, और उसके बाद जो हमने लाल मिर्च ली थी बारीक कट की हुई, उनको भी डाल दीजिएगा। तो इनको हम तीखा करने के लिए डाल रहे हैं। और इसके बाद जो कोई भी आपको मसाला पसंद हो, चाट मसाला, या आप कोई सब्जी मसाला भी ले सकते हैं, तो इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे चारों तरफ फैलाते हुए। और हल्का सा हम नमक डाल देंगे, बहुत ही हल्का सा डालना है, क्योंकि हमने आटे में भी डाला था ना। तो अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसको आपको बड़ी सावधानी से रोल करना है, बड़े आराम से। ये देखिएगा, तो इस तरीके से आप इसको रोल कर दीजिएगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको रोल कर दिया है, और अब हमें इसके पीसेस कट करने हैं। बड़े हल्के हाथ से आपको इसके पीसेस कट करने हैं, वरना यह दब जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ, देखिएगा मैंने हल्के हाथ से किए, तो ये दबे नहीं हैं, परफेक्ट कट हो गए हैं ये। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस कट कर दिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा लग रहे हैं ना ये लजीज। तो दोस्तों, ये पकने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगने वाले हैं। तो चलिए, अब हमें इनको स्टीम करना है, तो हम इन्हें स्टीम करके बनाने वाले हैं। तो चलिए, इन्हें ले चलते हैं गैस पर। तो मैंने छलनी में ऑयल लगा दिया है, और उसको कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। कढ़ाई में है पानी, और ये 15 मिनट में पक जाएंगी। तो इन्हें हम ढककर पकाने वाले हैं, तो गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद हम प्लेट को हटाएंगे। तो ये देखिएगा, 15 मिनट के बाद प्लेट को हटाई है, तो हमने इन्हें पका हुआ देखा है। तो आप चाकू की मदद से इनको देख लीजिएगा, ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं ये। तो चलिए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, गैस को कर देते हैं बंद। तो है ना बिल्कुल अलग, डिफरेंट टाइप्स के मोमोज। तो आप भी यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें ले चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिएगा, यहाँ पे मैंने इनको सर्व भी कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इनको एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा, इनमें ज़्यादा झंझट होता भी नहीं है बनाने में, और ये लगते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप नई नई रेसिपी को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों है ना ये यम्मी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।